बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन, कोऑर्डिनेट टीवी की तरफ से आपको हैरत अंगेज मालूमात जो है ना, बल्कि अमेजिंग फैक्ट्स में इन्हें कहूँगा, हैरान कन मालूमात जो है ना वो मुहैया करते हैं हम। हैरत अंगेज वीडियो आप इसको कह लो। आप हैरान होंगे कि दुनिया में एक इलाका पाया जाता है, इतनी दूर भी वो नहीं, कि जहाँ पे हर तीसरा शख्स जो है उसे ज़िंदा रहने के लिए अपने नाक में जो है ना वो रूई ठोंसनी पड़ती है, यानी नाक से जो है ना ब्लीडिंग होती है और बाज़ दफ़ा कानों से भी ब्लीडिंग होती है। अगर वो ये काम ना करें तो वहाँ पे ज़िंदा रहना मुश्किल होता है। हालांकि हमने देखा है कि पहाड़ी मकामात पे ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, लोगों का कलर वाइट और रेड होता है, लेकिन वो अपने हालात के मुताबिक वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाते हैं। उनमें रेड ब्लड सेल जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस हिसाब से वो वहाँ पे जी लेते हैं। लेकिन ये कौन सा ऐसा इलाका है कि जिसमें जो है ना वो बड़ी देर के जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी पॉसिबल नहीं सही रहना। मज़ीद जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें। हाँ दोस्तों, ये जो है ना तिब्बत का इलाका है। तिब्बत का इलाका जो है ना 15 से 16 हज़ार फुट की बुलंदी जो है ना, एवरेज इसकी निकाल लो तो 5-6 किलोमीटर जो है ना ये हाइट निकलती है। वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम है और हवा का प्रभाव भी बहुत कम है। होता यह है कि हमारे जिस्म में जब हम जो है ना कुछ नेचुरल चीज़ें खाते हैं उनसे या पानी वगैरह पीते हैं तो उनसे कुछ मिकदार ऑक्सीजन की हमारे जिस्म में स्टोर हो जाती है, लेकिन वहाँ पर इतनी ऑक्सीजन कम है कि फ़ज़ा में हमारे इर्द गिर्द ऑक्सीजन बहुत कम होने की वजह से अंदर ऑक्सीजन का हमारे जिस्म में प्रेशर ज़्यादा होता है, बाहर कम, जिससे जो है ना ये नाजक जो हिस्सा नाक, चूँकि इसका डायरेक्ट मेन जो वेन्स है उनके साथ रिलेशन होता है, तो प्रेशर के फ़र्क की वजह से हमारे जिस्म का जो ब्लड है ना नाक के ज़रिए बाहर आना शुरू हो जाता है। वैसे भी आपको पता है कि अगर बाहर प्रेशर कम हो अंदर ज़्यादा हो तो ये प्रॉब्लम जो है ना वो हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद देखें कि वहाँ पे अब गवर्नमेंट जो है ना, चाइना ने ये बड़ा स्टेप लिया कि उधर जो है ना वो करोड़ों के हिसाब से दरियाई आरलंग के साथ साथ जो है ना वो करोड़ों के हिसाब से वो दरख्त लगा रहे हैं, और ये दरख्त इस तरह के हैं कि इनसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इनके पत्तों से निकलेगी, और ये ऑक्सीजन जो है ना वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी को जो है ना वो पूरा कर देगी। आप कभी वहाँ पे देखें तो बंदा हैरान होता है कि ये कैसे जो है ना इतनी बुलंदी तक जो है ना ये चीज़ें लेके गए हैं, और ये करोड़ों के जो दरख्त का एक प्रोजेक्ट है ये यकीनन वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर देगा, और वहाँ भी जो है ना इंसानियत जो है ना वो इजीली रह पाएगी। अभी जो सूरत हाल है अभी ये है कि हर तीसरा शख्स जो है उसके नाक से जो है ना ये ब्लीडिंग हो जाती है, और फिर उसके उसके लिए उन्होंने जो है ना नाक में रुई दी होती है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि इजीली यहाँ पे हम सांस लेते हैं, ना हम हमारी ब्लीडिंग होती है, लेकिन इसके बावजूद कभी हमने जो है ना इस टॉपिक को सोच के तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स जो है ना वो ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।